गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर अप्लाई टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एज वेल। अगर द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड जीरो इज जीरो, अगर किसी फ्रैक्शन का जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर विल बी जीरो। ठीक है। सेकेंड है द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड वन इज द फ्रैक्शन इट्सेल्फ। अगर प्रोडक्ट इसका वन खुद है, इट्सेल्फ वन इट्सेल्फ है, तो ये इस तरह से होगा सेम एज इट इज जो रहेगा फ्रैक्शन, वो ही उसका आंसर होगा अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन वन है तो। किसी को भी मीन्स वन से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्सेल्फ वो नंबर आएगा जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। थर्ड है टू फ्रैक्शंस कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। दो फ्रैक्शन किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3/7 मल्टीप्लाई 5/8 हमने किया तो आंसर है 15/56। 5 3 15, 7 8 56। अगर ये बोल रहा है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5/8 हमने पहले कर दिया और 3/7 बाद में किया, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। आप मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज करोगे तो प्रोडक्ट रिमेन द सेम। ओके। एंड फोर्थ है वाइल मल्टीप्लाइंग मोर देन टू फ्रैक्शन दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। अगर जैसे अभी तक हम दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 एंड 2, अगर दो से ज़्यादा है 1 2 3 है, इसका ऑर्डर हम कैसे भी चेंज कर दें तो प्रोडक्ट लेकिन सेम ही रहेगा। जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 1/7 ब्रैकेट में है एंड मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है। तो आंसर क्या आया फाइनली 4/105। अब अगर हमने 2/5 को बाहर ले लिया ब्रैकेट के और अंदर हमने 1/7 और 2/3 लिया है तो भी आंसर 4/105 मतलब सेम ही रहेगा। आप ऑर्डर चेंज कर दो, ब्रैकेट चेंज कर दो, लेकिन आंसर विल बी सेम। तो एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अब इसमें 5/8 मल्टीप्लाई 2/7 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/8 यहाँ आपको दिया हुआ है तो सिंपल है, 2/7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2/7। इसी तरह 4/6 मल्टीप्लाई ब्लैंक है, यहाँ पे 4/6 है तो यहाँ क्या आएगा 1/3। जस्ट ऑर्डर चेंज किया है, यहाँ पे 4/6 पहले है, यहाँ 4/6 इक्वल के बाद में लास्ट में कर दिया है। अब यहाँ पे 3 का है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ 1/3 और 3/4 आ रहा है तो सिमिलर है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। ओके। इसी तरह 4/3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4/3 आ जाएगा, 0 से कर रहे हैं 0 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से जस्ट ऑर्डर चेंज किया है, बाकी सब सेम रहेगा। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन टू फ्रैक्शनल नंबर। दो से ज़्यादा है फ्रैक्शनल मतलब 3 है, इनका मल्टीप्लाई किया है 1/2, 2/5, 3/5। तो जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो हमने एक साथ लिख दिया 1 × 2 × 3 और डिनोमिनेटर एक साथ लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 6/70। ठीक है। कैसे करते हैं, यही दिया हुआ है यहाँ पे, टू मल्टीप्लाई मोर देन टू फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट टर्म्स। ठीक है। तो 4.6 का हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक साथ ले लेंगे, तो न्यूमरेटर 2 × 1 × 4, डिनोमिनेटर 3 × 7 × 5, तो ये हो गया हमारा 4 × 2 = 8 और नीचे आ गया हमारा 7 × 3 = 21, 21 × 5 = 105, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड एक और मैं करती हूँ, 2/3 × 9/2 × 3/5। अगेन न्यूमरेटर एक साथ लिख देंगे और डिनोमिनेटर एक साथ लिख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 9/5। एक लास्ट और आप देख लेते हैं, फिर 4.5 एंड 4.6 आप फेयर कॉपी में करके मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है। 3 × 3/4 मल्टीप्लाई 1 × 2/5 मल्टीप्लाई, ये है मिक्स फ्रैक्शन, तो सबसे पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है आपको, तो 4 × 3 = 12, 12 + 3 = 15 / 4 मल्टीप्लाई 5 × 1 = 5, 5 + 2 7/5, 7 × 7 + 1 = 8/7। ठीक है। इसको आपको कैसे करना है, वही न्यूमरेटर एक साथ और डिनोमिनेटर एक साथ, 4 × 5 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8,
5 3 15, आंसर विल बी 6। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, बहुत सिंपल है, फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। 4.5 एंड 4.6 पे ये नोटबुक में करके सबमिट करनी है। थैंक यू।